नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पलामू के 22 महीने की सृष्टि रानी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप 1 से जूझ रही है। पलामू से हमारे संवाददाता एके पाठक की रिपोर्ट। सृष्टि कुमारी के पिता सतीश कुमार और माता सोनिया कुमारी, जो कि कांदू मोहल्ला निवासी हैं, उनकी सुपुत्री सृष्टि कुमारी एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। सृष्टि के पिता से हमारे रिपोर्टर आलोक कुमार पाठक से बातचीत के दौरान ये जानकारी मिला कि डॉक्टर संदीप पाटिल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे एपिलेप्सी एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल ने टाइप 1 से जूझ रही बच्ची सृष्टि को जोल जेंसमा नामक इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। सृष्टि के पिता सतीश कुमार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनकी सैलरी मात्र 40,000 रुपये है और इस इनकम से 16 करोड़ रुपये एकत्रित कर पाना मुश्किल है। इसलिए सृष्टि के माता पिता दोनों मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं, जो कि लगातार 1 जनवरी 2021 से सृष्टि कुमारी वेंटिलेटर पे है और पैसे के अभाव के कारण उसे हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर के अनुसार 24 महीने के अंदर इंजेक्शन लेना अनिवार्य है। इसलिए सृष्टि के माता पिता सभी लोगों को सहयोग राशि देकर मदद करने के लिए आगे बढ़कर आने की अपील कर रहे हैं। इस मुहिम को जोर देकर आगे बढ़ाने में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष अविनाश देव और YJ की स्टूडेंट फेडरेशन डाल्टनगंज आगे बढ़कर आ रहे हैं और एक ही समाज में रहने के कारण लोगों को मदद करने की आगे बढ़कर आना चाहिए। और विशेष जानकारी के लिए आप सृष्टि के पिता सतीश कुमार से बात कर सकते हैं, जिनका फ़ोन नंबर 9608742225 है। धन्यवाद। सर, ये मेरी बेटी है सृष्टि रानी, 22 महीने की है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। ये अभी 8 महीने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और ये मुंह से कुछ खा भी नहीं सकती है, हमेशा बेड पे ही रहती है और ये इसका नाक से ट्यूब लगा है, इसके सहारे ही हम लोग इसको मिल्क या जो भी लिक्विड फॉर्म में देते हैं उसको खाने के लिए। और इस बीमारी का इलाज मात्र एक ही है, जो जेंसमा इंजेक्शन, जिसका कीमत लगभग 16 करोड़ रुपया है। इसका इलाज के लिए 16 करोड़ का जो रुपया है, 16 करोड़ अमाउंट हम लोग जमा करने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 16 करोड़ रुपया का इंतजाम हम अकेले जमा करने में असमर्थ हैं। तो जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से अभी तक सब लोगों ने मिलकर हमें 50 लाख तक का हेल्प किया है और आगे भी हम लोग से निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची के लिए जान बचाने के लिए सब लोग आगे आए और मदद करें। इसका उम्र अभी 22 महीने हो चुका है और डॉक्टरों के अनुसार इसकी उम्र 2 साल होने तक इंजेक्शन लग जाना चाहिए, तो हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया मदद करें और हमारी बच्ची की जान बचाएं। तो आपका एक छोटा सा मदद इसके लिए एक नई जिंदगी दे सकता है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube